धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग की रुपये 1,99,108 लाख की 108 लाख करोड़ की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कुल कितनी सड़कें हैं। हमारे देश की सड़कों की लंबाई है 58,90,000 किलोमीटर। अगर हम इस पृथ्वी की ओर चारों ओर घुमाएं तो करीब करीब 147 चक्कर हम पृथ्वी के लगा सकते हैं, और अगर पृथ्वी से चंद्रमा को अगर हम जोड़ें तो ऐसी 15 सड़कें हम बना सकते हैं। इतनी हमारी देश की सड़कों की लंबाई है, और इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को, और हमारे सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्रालय के हमारे सम्माननीय मंत्री जी गडकरी जी, हमारे सिंह साहब और सभी मंत्रालय के अधिकारी और हमारे इंजीनियरों को जाता है। इसका जो सड़कें हमारी है उसका जो सबसे मुख्य कारण है कि हमारे जो तकनीकी मापदंड है वो उच्च स्तर के तकनीकी मापदंड है। पहले अगर आप देखेंगे कि 2014 के पहले जो हमारी सड़कों के मापदंड थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कमजोर थे। उसके कारण हमारी सड़कों में वो मजबूती नहीं आ पाती थी जो अभी है। पहले सड़कों में पाइपिंग एक्शन बनने के कारण सड़कें हमारी खराब हो जाती थी, परंतु अब हमारी सड़कों में जो निर्माण होता है उसमें सीमेंटेटेड सबबेस बनता है, उसमें WM बनता है, उसमें DBM बनता है, बिटुमिन कंक्रीट सरफेस बनती है। इसके कारण आज हमारी सड़कें विश्व स्तरीय सड़कें हैं, और इसका मुख्य कारण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के मन की बात को हमारे मंत्रालय द्वारा समझना। मैं इस जो हमारा बजट है इसकी बहुत सारी खासियतें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत तेजी से सड़कें बना रहे हैं। 2004-05 की बात करें तो 7 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क की रफ्तार थी, आज हम 37 किलोमीटर पर आए हैं, और आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है वो 50 किलोमीटर प्रतिदिन का है। और हम अलग अलग मापदंड की सड़कें बना रहे हैं। हमारे गांव की सड़क अलग है, प्रधानमंत्री सड़क अलग है, नेशनल हाईवे अलग है, स्टेट हाईवे अलग है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अलग है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न मापदंडों की सड़कें बनाने के कारण आज हमारी कनेक्टिविटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनती जा रही है। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी बजट में जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि हमने प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना को जगह दी है, और ये प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना करीब करीब 16 मंत्रालयों को लेकर बनी है, और इसमें 7 इंजन के हमारे कार्यक्रम होंगे। और इस प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के कारण हमारे किसानों को फायदा होगा, हमारे व्यापारियों को फायदा होगा, हमारे उद्योगपतियों को फायदा होगा, हमारे यात्रियों को फायदा होगा, हमारा माल का परिवहन को फायदा होगा। और ये जो हमारी सड़कें बन रही हैं, इन सड़कों के निर्माण में जो सबसे बड़ी बात है वो सुरक्षा की बात है। हम ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सड़कें बना रहे हैं। आज हमारे पूर्व में जो हमारे एक्सीडेंट होते थे वो एक्सीडेंट हम मिनिमम कर रहे हैं। पूरे देश में ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके जो रोड सेफ्टी के लिए हमारा अलग एक विंग काम कर रहा है, और उसके कारण हम कई लोगों की जान बचाने में सफल हो रहे हैं। आज जो हमारा बजट है, इस बजट का तो मेरा अनुरोध है कि ये पूरे सदन को एक स्वर में, एक मत में, ध्वनिमत से इसको पारित करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बजट अभी तक नहीं आया है, आगे और अच्छा आएगा। मैं इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र की जो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव ये है कि हमारे जितने जिला मुख्यालय हैं हमको जिला मुख्यालयों को 4 लेन से अनिवार्य रूप से जोड़ना चाहिए। हमारे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, तहसील हेडक्वार्टर हैं, उनको 4 लेन से जोड़ना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री सड़क हमारी बन रही हैं वो 15-20 टन की कैपेसिटी से बनती हैं, परंतु अब जो ट्रैफिक उसके ऊपर चल रहा है तो उसको डिजाइन में परिवर्तन करके उसको 80 टन तक लाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी कुछ मांगे हैं, उस मांगों के संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली मुंबई जो ग्रीन एक्सप्रेस वे निकल रहा है, 8 लेन एक्सप्रेस वे, इस 8 लेन एक्सप्रेस वे जो हमारा मेरे लोकसभा क्षेत्र के रतलाम के पास से गुजर रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है मंत्रालय से
कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना रतलाम में की जाए। हमारा रतलाम से झाबुआ और अलीराजपुर को फोर लेन से जोड़ने के लिए भारतमाला दो में आपने रतलाम से झाबुआ को सम्मिलित किया है, परंतु झाबुआ से अलीराजपुर को सम्मिलित नहीं कर पाया, वो टोल रोड होने के कारण। तो इसमें भी कोई माध्यम निकालकर इसको जोड़ दिया जाए। दूसरा, हमारा रतलाम और इंदौर रोड को पेटलावत से बदनावर तक इसको फोर लेन से जोड़ने से हमारी अहमदाबाद से सीधा हम गुजरात को शॉर्टकट से जा सकते हैं, इसको जोड़ा जाए। बड़ौदा से खंडवा नेशनल हाईवे घोषित किया है, परंतु इस नेशनल हाईवे का निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है, इसको शीघ्र शुरू किया जाए। और इसके बीच में मेरे लोकसभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय अलीराजपुर आता है, इस अलीराजपुर को अनिवार्य रूप से बाईपास बनाया जाए, क्योंकि अभी जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है वो अलीराजपुर शहर के बीच में गुजरने से यहाँ पे काफी एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। इसलिए इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए अलीराजपुर में बाईपास बनाना जरूरी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र झाबुआ से बांसवाड़ा को जोड़ने वाला मार्ग जो है वो फोर लेन नहीं है, तो झाबुआ से थांदला, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा को जोड़ने के लिए फोर लेन रोड बनाने की मैं मांग करता हूँ। मेरा लोकसभा क्षेत्र जनजाति बाहुल क्षेत्र है और हमारे यहाँ जो विलेज की रचना है, इन विलेजों में बहुत सारे हैबिटेशंस बने हैं, छोटे छोटे हैबिटेशंस, और मुख्य गांव से एक दूसरे हैबिटेशंस की दूरी, जिनको वहाँ फालिया बोलते हैं, वो फालिया की दूरी 10-10 15-15 किलोमीटर है, ऐसे लंबे जंगल के क्षेत्र में है। तो जो इन विलेज रोड बनना चाहिए वो रोड नहीं बनी है, तो इन विलेज रोड बनने को प्राथमिकता दी जाए। एक हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 47 है वो गुजरात की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा में जब आते हैं तो उसका लंबे समय से संधारण नहीं हुआ है, और इसके संधारण का भी प्रस्ताव हमारे यहाँ मुख्यालय पे आया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये संधारण का जो प्रस्ताव है इसको स्वीकृत करें, ताकि उस नेशनल हाईवे नंबर 47 का पिटोल से हमारे माछलिया तक जो अभी उखड़ गया है इसका संधारण हो सके। मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।